आज हम लीवर की प्रॉब्लम को देखते हुए सोर्वेलिन सिरप के बारे में बात करेंगे। सोर्वेलिन सिरप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेस, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सोर्वेलिन एक लीवर सिरप है जो लीवर की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। ये सिरप लीवर को स्वस्थ बना रखने के लिए बहुत ही यूजफुल सिरप है। इस सिरप का यूज किसी भी उम्र के व्यक्ति यूज कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में सोर्वेलिन सिरप है, ये सोर्वेलिन सिरप का ब्रांड दिया गया, ये बताया गया ये 200 ml में आती है। इसकी कंपनी की बात करें तो ये लेबोरेटरी ग्रिफिन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी MRP की बात करें तो ये 115 rupees 72 paise की है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 9/2018 है और इसकी एक्सपायरी 8/2021 है। चलिए इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें ट्राइसोलिन सिट्रेट होता है और सोर्बिटोल सोल्यूशन होता है। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये एक लीवर टॉनिक है। लीवर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। आपको पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको हेपाटोमेगाली की प्रॉब्लम है, जैसे कि लीवर पर सूजन है या लीवर बढ़ रहा है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपका बिलरुबिन बढ़ रहा है, मतलब पीलिया की प्रॉब्लम है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस सिरप का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। चलिए इसके यूजेस के बारे में बात करें तो अडल्ट के लिए 10 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले आधा ग्लास पानी में लेना है, और 4 से 9 साल के बच्चों के लिए 2.5 ml सुबह शाम, और 9 से 14 साल के बच्चों के लिए 5-5 ml सुबह शाम पानी में घोलकर लेना है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में मरोड़ हो सकती है, चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी की इच्छा हो सकती है, आपको किसी तरह की घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी को इस तरह की प्रॉब्लम हो, मुश्किल से 5-10% लोगों को इस तरह के साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि आपको लीवर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।